दोस्तों आज की वीडियो के लेकर आया हूँ आईपीएल और क्रिकेट की दुनिया की बड़ी अपडेट्स। धोनी की शुरू हुई आईपीएल की तैयारी, रोहित और विराट के फैंस के बीच झड़प, भारतीय टीम के पाकिस्तान जाने की मंजूरी, भारतीय टीम का टी20 वर्ल्ड कप कम्प्लीटेड स्क्वाड, आईपीएल ऑक्शन पर बड़ी मीटिंग, भारतीय महिला टीम ने लहराया परचम और भी ढेर सारे अपडेट्स आईपीएल और क्रिकेट की दुनिया से जुड़े आपको बनाने वाले हैं। और बस आपको आराम से पूरा वीडियो अंत तक देखना है। दोस्तों आपके लिए वीडियोस रोज लाते हैं और ये हमारे आईपीएल अपडेट सीरीज का 563वां वीडियो है। और यदि हमारे चैनल का ऐसा नहीं है तो बिना देर के भी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। चलिए देखते हैं अपना सबसे पहला अपडेट। दोस्तों हमारी सबसे पहले अपडेट निकल कर आ रही है आईपीएल 2023 में महेंद्र सिंह धोनी की तैयारी को लेकर। महेंद्र सिंह धोनी हाल फिलहाल में चेन्नई गए हुए थे और वहां से वह वापस रांची आ चुके हैं और रांची आने के बाद वहां पर वह आईपीएल 2023 का तैयारी शुरू कर चुके हैं, जिसका कल फोटो और वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ था, जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको बता दें कि आईपीएल की शुरुआत में अब लगभग 5 महीने का वक्त बचा हुआ है और महेंद्र सिंह धोनी वैसे भी आईपीएल के अलावा कोई क्रिकेट नहीं खेलते हैं और इसी वजह से इन्हें ज्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता है और ऐसा लग रहा है कि 5 महीने तैयारी करेंगे और इनका फोकस आईपीएल 2023 के लिए पूरी तरह से रहने वाला है। और यदि आप महेंद्र सिंह धोनी को आईपीएल 2023 में देखने के लिए एक्साइटेड है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं अपना दूसरा बड़ा अपडेट। दोस्तों ये अपडेट निकल कर आ रहा है रोहित शर्मा और विराट कोहली के फैंस को लेकर, जहां पर कल तमिलनाडु में क्रिकेट के फैंस के द्वारा एक बेहद ही शर्मनाक हरकत की गई। हुआ क्या कि 2 क्रिकेट के फैंस शराब पीने के बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर जबरदस्त बहस करने लगे और यह बहस इस मोड़ पर आ गया जहां पर जो विराट कोहली का फैन था उसने रोहित शर्मा के फैन को चाकू मारकर हत्या कर दी और जिसने हत्या की है उसे अरेस्ट कर लिया गया है। रोहित शर्मा का फैन असल में मुंबई इंडियंस का फैन था और विराट कोहली के फैन का मजाक उड़ा रहा था आरसीबी को लेकर, क्योंकि उसने आज तक कभी ट्रॉफी नहीं जीता है उस टीम ने। इस खबर के फैलने के बाद सोशल मीडिया में अरेस्ट विराट कोहली ट्रेंड करने लगा। अब यह तो समझ से बाहर है कि आखिर फैंस के द्वारा मारपीट की वजह से विराट कोहली क्यों अरेस्ट होंगे, और हमारे हिसाब से यह बिल्कुल ही गलत है क्योंकि फैन फॉलोइंग अपनी जगह पर होता है और उसकी वजह से किसी की हत्या कर देना बिल्कुल ही गलत है। इस पर आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं अपना तीसरा बड़ा अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है टी20 वर्ल्ड कप को लेकर, जहां पर आपको बता दें कि आज ही टी20 वर्ल्ड कप के लिए सभी 16 कप्तानों का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और फोटोशूट भी हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं पूरी तरह से। वहीं सभी कप्तानों का फोटोशूट आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं और यह फोटोशूट काफी ज्यादा वायरल भी हुआ सोशल मीडिया पर। इसके साथ ही सभी टीमों के कप्तानों का भी फोटोशूट हुआ, जिसमें रोहित शर्मा और पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम का भी फोटोशूट काफी ज्यादा वायरल हुआ, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अब बस कुछ ही दिनों में टी20 वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है और आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम इस बार टी20 वर्ल्ड कप जीत पाएंगे कि नहीं, हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएगा। और आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच पहला मुकाबला 23 अक्टूबर को होगा और उसका जब टिकट सेलिंग शुरू हुआ तब सिर्फ 10 मिनट के अंदर 90,000 टिकट बुक हो गए और इतने ही टिकट सेल पर थे भी, तो आप समझ सकते हैं क्या अहमियत है भारत और पाकिस्तान के मुकाबले का। चलिए देखते हैं अपना चौथा बड़ा अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है एशिया कप 2023 को लेकर। आपको बता दें कि हाल फिलहाल में एशिया कप में भारतीय टीम को जो मेन वाला होता है उसमें हार मिली थी और साल 2023 में फिर से एशिया कप होने वाला है पाकिस्तान में और लगभग जुलाई अगस्त के महीने में ही होगा अगले साल। और इस बार का एशिया कप 50 ओवर का रहने वाला है और उसके तुरंत बाद फिर भारतीय टीम वर्ल्ड कप होस्ट करेंगे। और बीसीसीआई की तरफ से खबर आ रही है कि उन्होंने भारतीय टीम का पाकिस्तान जाने को अप्रूव दिया है, यानी हो सकता है 2023 में भारतीय टीम पाकिस्तान में जाकर खेल सकते हैं। हालांकि यह पूरा डिपेंड करता है कि जो मौजूदा सरकार है वह भारतीय टीम को जाने के लिए अलाउ करते हैं कि नहीं। भारतीय टीम साल 2008 के बाद कभी भी पाकिस्तान नहीं गए हैं और जो नामी खिलाड़ी है जैसे विराट कोहली और रोहित शर्मा उन्होंने कभी भी पाकिस्तान में नहीं खेला है। और यदि सरकार मना करते हैं तो हो सकता है एशिया कप अगले साल वाला बिना भारतीय टीम का होगा। चलिए देखते हैं अपना पांचवा बड़ा अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है जसप्रीत बुमराह के आधिकारिक रिप्लेसमेंट को लेकर। कल बीसीसीआई ने आधिकारिक तरीके से प्रेस रिलीज करके यह आधिकारिक तरीके अनाउंस कर दिया कि जसप्रीत बुमराह के रिप्लेसमेंट रहने वाले हैं मोहम्मद शमी। और मोहम्मद शमी के बारे में खबर है कि वह पहला तो ऑस्ट्रेलिया पहुंच भी चुके हैं और जो भारतीय टीम ब्रिस्बेन पहुंचे हैं अपने पहले वार्म अप मुकाबले के लिए जो ऑस्ट्रेलिया के साथ शुरू होगा 17 अक्टूबर को, उसमें प्लेइंग 11 का हिस्सा भी रहने वाले हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात आपको हम बता देते हैं कि जब से 2021 का वर्ल्ड कप खत्म हुआ है तब से मोहम्मद शमी ने भारतीय टीम के लिए किसी भी तरह का टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेला है और मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर को स्टैंड बाई खिलाड़ियों के लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। और जो भारतीय टीम का टी20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड था उसे अपडेट कर दिया गया है, आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं अपडेटेड स्क्वाड। चलिए देखते हैं अपना छठा बड़ा अपडेट। दोस्तों ये अपडेट निकल कर आ रहा है आईपीएल 2023 के ऑक्शन को लेकर। आपको बता दें कि 18 अक्टूबर को बीसीसीआई की एक बड़ी मीटिंग होने वाली है और उस मीटिंग में बीसीसीआई के प्रेसिडेंट को बदला जाएगा। सौरभ गांगुली को हटाकर रॉजर बिनी को बीसीसीआई प्रेसिडेंट घोषित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि जैसा बीसीसीआई के सेक्रेटरी रहेंगे ही, वहीं आपको बता दें कि अरुण धूमल जो फिलहाल बीसीसीआई के और आईपीएल के कोष अध्यक्ष हैं उन्हें आईपीएल का चेयरमैन बना दिया जाएगा। इसके पहले चेयरमैन ब्रिजेश पटेल थे। तो इस मीटिंग में आईपीएल को एक नया चेयरमैन मिलने वाला है। हालांकि सौरभ गांगुली को भी चेयरमैन बनाने की बात कही जा रही थी लेकिन सौरभ गांगुली ने इसे रिजेक्ट कर दिया। उस मीटिंग में आईपीएल ऑक्शन के नियम को और तारीख को हर कुछ को डिस्कस किया जाएगा, जहां पर हो सकता है इस बार आईपीएल में आपको
5 ओवरसीय खिलाड़ी भी देखने को मिल सकते हैं और हर तरह की जानकारी 18 अक्टूबर को हमें पता चलने वाली है और आधिकारिक डेट वगैरह भी हमें पता चल सकता है। तो 18 अक्टूबर को जो भी जानकारी आएगी सबसे पहले हम आपको टेलीग्राम चैनल पर देखें और उसकी हाईलाइट भी आपको बताएंगे। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए देखते हैं अपना 7वां बड़ा अपडेट। दोस्तों ये अपडेट निकल कर आ रहा है रवि शास्त्री की तरफ से। उन्होंने कहा है कि बीसीसीआई का जो नया प्रेसिडेंट बनेंगे उनके लिए एक सजेशन दिया है रवि शास्त्री ने और कहा है कि खिलाड़ियों पर रोक लगानी चाहिए। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो काफी ज्यादा चोटिल हो जाते हैं ज्यादा क्रिकेट खेलने की वजह से और कुछ खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से ज्यादा तो आईपीएल में खेल लेते हैं। तो ऐसे में उन खिलाड़ियों को आईपीएल के कुछ मुकाबले में कंपल्सरी और मैंडेटरी रेस्ट देना चाहिए या तो फ्रेंचाइजी से बात करके उस खिलाड़ी को आईपीएल से कंप्लीटली बाहर कर देना चाहिए जिसका फिटनेस अप टू डेट नहीं रहता है और जो काफी ज्यादा चोटिल हो जाते हैं। तो इस तरह से रवि शास्त्री ने खिलाड़ियों के आईपीएल में खेलने को लेकर एक सजेशन दिया है बीसीसीआई के नए प्रेसिडेंट को। उनका यही मानना है कि खिलाड़ी आईपीएल में पूरी तरह से फिट रहते हैं और खेल ही लेते हैं लेकिन इंटरनेशनल ड्यूटी के वक्त चोटिल होकर बाहर हो जाते हैं जिसमें भारतीय टीम को और भारतीय फैंस को नुकसान पहुंचता है। तो इस सजेशन पर आप किस प्रकार सहमत हैं हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं अपना 8वां बड़ा अपडेट। दोस्तों ये अपडेट निकल कर आ रहा है महिला एशिया कप 2022 को लेकर। यहां पर भले ही भारतीय मेन टीम एशिया कप नहीं ला पाए लेकिन महिला टीम ने इतिहास रचते हुए एशिया कप 2022 पर कब्जा कर लिया श्रीलंका को हराकर। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 65 रन बनाए थे 20 ओवर में और भारतीय टीम ने 8 ओवर में यह लक्ष्य हासिल कर लिया जिसमें रेणुका सिंह प्लेयर ऑफ द मैच बने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी की वजह से और दीप्ति शर्मा प्लेयर ऑफ द सीरीज। और आपको जानकर हैरानी होगी कि भारतीय टीम ने पिछले 8 एशिया कप में 7 एशिया कप पर कब्जा कर लिया है। तो भारतीय महिला टीम के लिए एक लाइक तो बनता ही है। तो दोस्तों यहाँ आज के आईपीएल और क्रिकेट से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट बड़े अपडेट्स, इस तरह के अपडेट्स हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर भी देते हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अपने अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।